नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। उत्तर प्रदेश के हाथरस के गैंग रेप मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पीड़िता के परिवार ने शनिवार को विशेष जांच दल पर आरोपियों के साथ मिले होने का आरोप लगाया और मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी मौत के बाद पुलिस ने उनकी बेटी का शव नहीं सौंपा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की है और कहा कि परिवार को SIT या CBI पर भरोसा नहीं है। मां ने कहा कि इन लोगों ने उन्हें भीख मांगने के बाद भी अपनी लड़की का शरीर उन्हें नहीं देखने दिया। हम CBI जांच भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के जज के अधीन हो। हम नार्को टेस्ट क्यों करवाए? हमने अपना बयान कभी नहीं बदला। बता दें कि दो दिनों के बाद हाथरस जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह मीडिया को पीड़ित के गांव में प्रवेश करने की अनुमति दी है। पीड़िता की मां ने कहा कि वे अपनी बेटी को सिर्फ एक बार देखना चाहती थी। शव तक नहीं दिया गया, उनका चेहरा भी नहीं देख सकी। पीड़िता की भाभी ने तो यहां तक कहा कि उस रात को उनकी ननद का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। हमें नहीं पता कि पुलिस ने किसका शव जलाया है। पीड़िता की भाभी ने DM पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बॉडी देखने की मांग की तो DM ने कहा कि आपको पता है पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी का क्या हाल हो जाता है, हथौड़े से मारकर हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? भाभी ने कहा कि DM उन्हें बार बार कह रहे थे कि तुम्हें मुआवजा तो मिल गया, तुम्हारे खाते में कितना पैसा आया है तुम्हें पता है? पीड़िता की भाभी ने कहा कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि वे लोग सच्चाई मीडिया को ना बता दे। पीड़िता की भाभी इस वक्त बेहद परेशान है। उनका कहना है कि उनका परिवार नार्को टेस्ट नहीं करवाएगा, नार्को टेस्ट DM का करवाना चाहिए। उन्होंने CBI जांच की भी मांग से इनकार कर। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता की भाभी ने कहा कि सबसे पहले पुलिस वालों को स्पष्ट करना चाहिए कि उस रात किसके शव का अंतिम संस्कार किया गया था। वह हमारी लड़की का शरीर नहीं था, हमने इसे नहीं देखा। हम नार्को टेस्ट क्यों करवाए? हम सच कह रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। DM और SP का नार्को टेस्ट हो, यही लोग झूठ बोल रहे हैं। मृतक के दादा के शव का अंतिम संस्कार करने के समय उपस्थित होने की खबरों का खंडन करते हुए उनकी भाभी ने कहा कि लड़की के दादा की मृत्यु 2006 में हुई थी। कोई कैसे दावा कर सकता है कि वह दाह संस्कार के दौरान मौजूद थे? उन्होंने कहा कि SIT कल यानी शुक्रवार को हमारे घर नहीं आई। वे गुरुवार को आए थे और सुबह करीब 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक यहाँ थे। जिला मजिस्ट्रेट लगातार कह रहे हैं कि अगर लड़की की मौत कोरोना वायरस से हुई है इसलिए हमें मीडिया से बातचीत करने और बाहर जाने से रोका गया है। हमारी लड़की का शरीर हमें क्यों नहीं दिखाया गया? हम SIT पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि वे प्रशासन के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोल रहा है कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये DM बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। ये हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं है। तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम तो कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे हैं, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी? हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।